वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। आज फ्राइडे है और अभी 7 o'clock हो रहे हैं और ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी हम लोग सुबह की चाय ले रहे हैं। वैसे तो आज हम लोगों का फास्ट है, हम लोगों का नहीं मेरा फास्ट है, लेकिन मैं चाय सुबह सुबह फास्ट में बिना नहाए भी ले लेती हूँ। तो सुबह चाय ले रहे हैं, उसके बाद फिर मैं, छोटी का क्लास है, फिर मैं सारे काम निपटाऊंगी। बड़ी का 10 o'clock से है, छोटी का 8 बजे से है। अच्छा जी, तो मैंने अपने चाय खत्म कर लिए हैं और घर के काम निपटाने से पहले मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे कुछ बातें शेयर कर लूं। मैं जो 2 दिन पहले मार्केट गई थी तो वहां से मैंने ये टेलकम पाउडर लाया है और कुछ व्रत के सामान भी लाई थी। सावन का सोमवार शुरू हो रहा है। मैं नॉर्मली ओरिफ्लेम का पाउडर यूज करती हूँ। यार्डले का मैंने परफ्यूम तो यूज किया है, पाउडर यूज नहीं किया है। एक जास्मिन फ्लेवर में है और एक मॉर्निंग ड्यू। आप सबने अगर यूज किया है तो बताना तो कैसा है, मैं यूज करूंगी तो रिव्यू दूंगी। और व्रत के लिए मैंने मूंगफली लाया है और साबुदाना लाई हूँ, क्योंकि बच्चे भी व्रत में रहेंगे तो घर में व्रत का सामान पूरा होना चाहिए। आप सब कौन कौन मंडे का सावन का फास्ट रखते हो बताना तो। तो जी, घर का सारा काम मेरा हो गया है। मैंने झाड़ू पोछा कर लिए, पूजा घर भी साफ कर लिया है, अब नहाना बाकी है। नहाने से पहले मैंने सोचा पहले डिटॉक्स वाटर तैयार करके रख लूं और तरबूज का मैं जूस भी निकाल लूं। आज मैं नाश्ते के साथ तरबूज का जूस दूंगी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, चुन्नू का क्लास स्टार्ट हो गया है और अभी बज रहे हैं तकरीबन 9:30। चुन्नू का लंच ब्रेक होने वाला है, लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया है। क्या करें, आज थोड़ा सा लेट उठना हो गया था। और मैं पीच से डिटॉक्स वाटर तैयार कर रही हूँ। मैंने पीच को काट लिया है, पीच, जिंजर और लेमन। बहुत ही अच्छा लगता है पी के इसका फ्लेवर, एक बार ट्राई करके देखना। डिटॉक्स वाटर तैयार करके मैं रख दूंगी साइड में, फिर मैं तरबूज का जूस भी बना के फ्रिज में रख लूंगी। और बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, अचानक से तेज आंधी तूफान आ गया है। तरबूज का जूस में नॉर्मली ग्राइंडर में पीस के ही निकाल लेती हूँ। मुझे जूसर में निकालना बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, फिर उसको साफ करो, साफ करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। और ग्राइंडर में तो सिर्फ एक ये जार होता है, तो मैं ज़्यादातर तरबूज का जूस तो इससे ही निकालती हूँ। निकाल के और छलनी से छान लेती हूँ छोटे छोटे क्यूब्स में काट के, ताकि अच्छी तरह से पिस जाए। जूस को रख के फिर मैं नहाऊंगी। और दिल्ली में इतनी गर्मी कि आपको बता नहीं सकती। और अचानक से आज जब बारिश आई है तो इतना सुकून मिल रहा है, इतना ठंडक है मौसम में, क्या बताएं, मज़ा ही आ गया। चलिए मैं आप सबको बाहर दिखाती हूँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और देखो जी, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत ही तेज बारिश आंधी तूफान आए हुए हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मजा ही आ गया। मन करता है इस मौसम में बारिश में भीगने का, लेकिन अभी थोड़ा डर लग रहा है कोरोना के चलते, नहीं तो मैं जरूर भीगती पहली बारिश में। हर साल में पहली बारिश में जरूर भीगती थी जाके,
लेकिन इस बार थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए बालकनी से ही सिर्फ नजारा देख रही है। तो अब मेरा नहाना धोना हो गया है, अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं फटाफट से नाश्ता तैयार कर लूंगी। आज मैं नाश्ते में साबूदाना बनाऊंगी, मेरा व्रत है तो मैं साबूदाना बनाऊंगी और बच्चों को भी ये पसंद है तो वो लोग भी यही नाश्ता ले लेंगे जूस के साथ। साबूदाना को मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटा तक भिगो के रख दिया था, रात को ही मैंने भिगो दिया था और फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैं पैन में घी ले लूँगी और घी में मैं ये बादाम ऐड करूँगी। आप अपने पसंद का और भी कुछ मेवा ले सकते हैं। बादाम को थोड़ा देर घी के साथ फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं फिर इसमें साबूदाना ऐड कर दूँगी। साबूदाना में मैंने इतना ही पानी डाला था ताकि साबूदाना को सूख ले। अब मैं 1 बाउल मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर भी ऐड करूंगी, जो कि अमेजन पर इजीली अवेलेबल है। आपके पास ना हो तो कोकोनट मिल्क पाउडर स्किप कर दें। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूंगी। मैं 250 ग्राम साबूदाने के हिसाब से रेसिपी दिखा रही हूँ। मैं इसमें चीनी नहीं ऐड करती हूँ, मिल्क पाउडर से ही मीठा हो जाता है। आप चाहें तो चीनी ऐड कर दें। और फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है तो वो लोग भी आज यही खाएंगे और इसके साथ जूस लेंगे। मैं अभी खुद का नाश्ता नहीं लगाई हूँ क्योंकि चुन्नू का क्लास स्टार्ट हो गया है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी तो वो नाश्ता नहीं की है, तो उसको मैं पहले खिलाऊंगी फिर मैं अपना नाश्ता लूंगी। पापा और नन्ही करेगी और मैं चुन्नू को खिलाने जा रही हूँ। थोड़ा सा गुस्से में है क्योंकि आज टाइम से नाश्ता नहीं तैयार हो पाया। वो 8 o'clock से क्लास स्टार्ट हो जाते हैं और आज मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गई थी और नहाना था फिर नाश्ता बनाना था, थोड़ा सा मैं लेट हो गई। इसका जब लंच ब्रेक हो गया था तो मैं नाश्ता बना ही नहीं पाई थी, तो थोड़ा सा गुस्से में है। अभी जाती हूँ इसको खिलाती हूँ। अभी मैं इसको बैठ के खिलाऊंगी फिर मैं अपना नाश्ता करूंगी। चीनी को हमने नाश्ता करवा दिया है और अब हम सब नाश्ता करेंगे। बहुत यम्मी बना है। ऐसे मुझे नमकीन वाला भी अच्छा लगता है। आई थिंक दिस वन टेस्ट्स बेटर। अच्छा लगता है ना, ये बड़ा टेस्टी लगता है। नमकीन वाले से भी ज्यादा अच्छा और डिफरेंट भी, नॉट लाइक योर रेगुलर साबूदाना, और हेल्दी भी है। थोड़ा सा चीनी नहीं दी है तो हेल्दी बन गया, चीनी नहीं ऐड किए तो। बच्चों के लिए आज लंच में बना रही हूँ मैं पिज्जा, आटा पिज्जा। और पिज्जा का आटा मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, इसका मैं पिज्जा बेस बना के पिज्जा पैन पर रख दी हूँ और उसको फोक से प्रिक कर दी हूँ। फिर मैं एक सॉस लगाऊंगी, मेरे पास पिज्जा सॉस नहीं था तो मैं मायो, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस को मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी।
और मेरे पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है पहले मैं चीज डालूंगी, फिर मैं उसके ऊपर ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स, कैप्सिकम, टोमेटो, ओनियन ऐड कर दूंगी, फिर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी चीज डालूंगी, फिर मैं ओरिगेनो, बेजिल, चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऊपर से ड्रिजल करूंगी और इसको 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में बेक करने के लिए रख दूंगी 30 से 35 मिनट। और बच्चों का क्लास भी एक से डेढ़ घंटे में ओवर हो जाएगा, अभी आधे घंटे का उन लोगों का ब्रेक है, तो चलते हैं बच्चों के कमरे में और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। आज बच्चों के लिए ये सरप्राइज है। और पिज्जा का डो कैसे तैयार करते हैं या पिज्जा कैसे बनाते हैं मैंने चैनल पर दी हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मैं दिखाती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक हुआ है क्लास का दोनों का, तो दोनों देखिए फिर कबूतर की जैसे गुटरगू करने लगे, उसको उल्टा के बाद बोल दिया पेरेंट्स को, पेरेंट्स को एक दूसरे के बिना दोनों को चैन ही नहीं आता है। बड़ी उस रूम में क्लास कर रही थी, बस दोनों का ब्रेक हुआ है आ गई। जब वो हॉस्टल में होती है तो छोटी बहुत ही उदास हो जाती है, इसीलिए अभी तो मजे हैं छोटी के। और ये दिनेश जी दोनों का बातें सुन रहे हैं। उसने उल्टा दिया होगा बात को, तो उसने मन्ना को कॉल कर दिया, मन्ना को कॉल किया, संस्कृति फंस गई, बीबीडीएस मैसेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मन्ना ने उसको मैसेज कर दिया, मैसेज कर रहा, कॉल कर दिया, मैसेज कर, ठीक है संस्कृति वो करा, संस्कृति वो लाइक नहीं मैम मेरी तो गलती नहीं है मैम, तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, और ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगले वीक एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैसेज किया था सबको आने को, तो हाँ वो तो मुझे भी मैसेज आया था, पहले सबको मैसेज